उन्होंने UNHRC में एक जो है कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की जानिब से रखा, जबकि हिंदुस्तान ने किस तरीके से जो है अपनी आर्मी तक भेजी, अपनी जो है ना तमाम फोर्सेज को इंक्लूड करके उनको सपोर्ट किया। कि जिस तरह पाकिस्तान को IMF ने रोल दी है कि पाकिस्तान को IMF जो है वो सांस नहीं आने दे रहा। जैसे जयशंकर जी ने कहा, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बरकत बख्शी है तो अल्लाह की आजमाइश से हम पीछे थोड़ी हटेंगे, अल्लाह ताला के इंतजार में खड़े उतरेंगे और उतरे। जब हम इट वॉज आवर टाइम टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। कुछ मंथ्स पहले वो सोशल मीडिया पे वीडियो बड़े वायरल हुए थे जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइना को बहुत ज्यादा धोया था, उसको भी नहीं थे उनके सेटबैक उनके जेब में आ गए और इस वजह से वो मीटिंग भी उन्होंने स्किप कर दिया, भाई हम नहीं जाएंगे। हम चाइना नहीं है, वो चाइना की हरकतें हैं कि मतलब एक एक ईंट बना बनाकर पूरे पाकिस्तान को कर्जे में डुबा देना है। मुल्क का जो सत्यानाश हुआ है, मैं बता रहा हूँ सनती तरक्की हुई नहीं इस मुल्क के अंदर, आपको बड़ी फैक्ट बात बताऊंगा। बिल्कुल पाकिस्तान चाइना और टर्की को तो दोस्त मानता है, जबकि जुल्म तो वहाँ भी मुसलमानों पे हो रहा है, उनको दोस्त मानता है तो फिर हिंदुस्तान के साथ इख्तिलाफ किस नाम का। हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो हमने उसका सोल्यूशन निकाला है, बॉयकॉट। चावल पूछने 400 रुपए किलो है, क्या 400 रुपए किलो, 300 रुपए क्या ये अमेरिका से आ रही है? दूध का आज का रेट क्या है पर के जी? आज का रेट 140 रुपए के जी। चावल का भी रेट बता दीजिए क्योंकि कश्मीरी चावल ज्यादा खाते हैं। तो वो पर के जी आता है 28 रुपीज पर के जी। 28 रुपीज चिकन जो लेने आए हैं वो किस तरह है आपने खरीद रहे हैं? वो 600 के करीब है, 4 रुपए कम 600। मुझे आपसे पूछना था कि चिकन की इस वक्त क्या रेट चल रही है? इस वक्त तो 130 चल रही है बॉयलर की, 140 चल रही है पैरेट की। इंडिया के साथ इस स्टेज पे दुश्मनी करना आई डोंट रिकमेंड इट। जब भी कोई कंट्री इंडिया के साथ दुश्मनी करती है तो उस कंट्री में सडनली इंसर्जेंसी बढ़ जाती है। दोस्तों पिछले महीने जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तब भारत ने और भारतीय आर्मी ने अपनी जान दांव पर रखकर टर्की की मदद की और टर्की के लोग भी अपने खुले दिल से भारतीय आर्मी और भारत का शुक्रिया अदा भी किया और यहां तक कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत की इस ऑपरेशन दोस्त की मिसाल पूरी दुनिया को दिया। लेकिन अब टर्की के प्राइम मिनिस्टर और टर्की की सरकार भारत का इस मदद का शुक्रिया अदा करने के बदले भारत के पीठ पर ही खंजर घोंपने की कोशिश की, जहां उन्होंने UN में कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा का सपोर्ट किया। तो दोस्तों इसी के ऊपर जयशंकर जी से उनका रिस्पांस मांगा गया तो जयशंकर जी ने कहा कि भारत टर्की का मदद इसलिए नहीं किया कि टर्की आगे जाकर के भारत की तारीफ करेगा या फिर भारत की सपोर्ट करेगा। भारत ने टर्की की मदद इसलिए की क्योंकि ये मदद इंसानियत की मदद है और ये भारत का दायित्व है और ये हम सब भारतीय के नेचर में है दूसरे की मुश्किल घड़ी पर उसके साथ खड़ा होना और उसकी मदद करना। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। टर्की की जानिब से उन्होंने UNHRC में एक जो है कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की जानिब से रखा, जबकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि अर्थक्वेक आया, किस तरीके से जो है दोस्ती स्कीम्स चलाई और हिंदुस्तान ने किस तरीके से जो है अपनी आर्मी तक भेजी, अपनी जो है ना तमाम फोर्सेस को इंक्लूड करके उनको सपोर्ट किया। मगर अब जब बात आई हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की तो तुर्की ने कोई खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का इजहार किया और UNHRC में कश्मीर का इशू इस तरीके से रखा, जिसपे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनके जाने से ये एक्ट होने के बाद भी जयशंकर जी ने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया, जो कि ये था कि हमने किसी लालच में तुर्की की मदद नहीं की बल्कि हमने तुर्की की मदद इंसानियत के नाते की है और वो इंसानियत हम कहीं भी निभाएंगे चाहे वो कोई ही मुल्क क्यों ना हो। इंडिया को पहले से पता था कि ये जो बेअखलाकी और बेहूदगी है ये वहां के लोगों में नहीं है, वहां की टर्किश कौम में नहीं है, ये एर्दोगन और उसके मिनिस्टर्स में है, ठीक है ना। इंडिया को पहले से पता था, फिर भी हमने ये ऑपरेशन दोस्त मुकम्मल किया क्योंकि जैसे जयशंकर जी ने कहा फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बरकत बख्शी है तो अल्लाह की आजमाइश से हम पीछे थोड़ी हटेंगे, अल्लाह ताला के इंतजार में खड़े उतरेंगे और उतरे। जब हम इट वॉज आवर टाइम टू गिव बैक टू द वर्ल्ड और किसी दुनिया के किसी हिस्से में अगर इतना बड़ा जलजला आया है, लोग वहां पर बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए हैं, तो इंडिया कैसे हेल्प नहीं कर। तो ये वो रीजन है कि हमने उनको हेल्प किया और हमें पहले से पता था कि एर्डोगन और उसके मिनिस्टर जो है हम
हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, यह पहले से पता, हमें अंदाजा था इस बात। अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान तुर्की को हमेशा से अपना दोस्त मानता आया है। ये जो तमाम हरकत आपने बताई, ये ऑब्वियसली बहुत से मीडिया चैनल्स और जो है मीडिया के जर्नलिस्ट से छुपी हुई नहीं है, मगर हमेशा पाकिस्तान कश्मीर, हिंदुस्तान के कश्मीर से इख्तलाफ इस बात से करता आया है कि वहाँ जुल्म होता है, वहाँ ज्यादतियाँ होती हैं, वहाँ जो है ना मुसलमानों को सही तरीके से रहने नहीं दिया जाता, उनके हकूकों पर राइट पूरे नहीं होते। तो जब हिंदुस्तान से इख्तलाफ मुसलमानों के हक के लिए था, तो फिर तुर्की के साथ दोस्ती किस नाम की? वहाँ भी तो यही सब हो रहा है, वहाँ तो बल्कि हिंदुस्तान में तो नहीं हो रहा, वहाँ तो हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ, पाकिस्तान दोस्ती किस बलबूते पे करता है, किस बेसिस पे, किस फाउंडेशन पे किसी से दोस्ती करता है किसी मुल्क से, मैं नहीं समझ पा रही कि हर बार रोग नेशंस के साथ दोस्ती, चाहे वो चाइना हो जो उइगर मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, चाहे वो टर्की हो जो कुर्दिश मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, ऐसे ही मुल्कों के साथ जाके दोस्ती करना, चाहे वो चाइना हो या टर्की, दोनों को बगैर पाकिस्तान की और कोई एलाइज ही नहीं है, कोई उनको सपोर्ट करता ही नहीं है। आप देखिए इंडिया में इतना, मतलब हमारी गवर्नमेंट को इतना अप्रूवल मिला है, 78% अप्रूवल रेटिंग है हमारी, ठीक है ना, दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री